नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते टाइम। अगर ये गलती कर देते हैं तो आपको डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय छंट सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। और जो लोग 2023 में बिहार पुलिस बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस की सभी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से आपको दिया जाएगा और बहुत जल्द इस चैनल पर बिहार पुलिस का क्लास चालू होने जा रहा है। और बात करें बिहार पुलिस के एक बुक प्रैक्टिस बुक का तो आपके सामने किरण पब्लिकेशन के दिखाई दे रहा है। ये प्रैक्टिस वर्कबुक बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है, मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए बिहार पुलिस वैकेंसी 2023 21,391 जो भर्ती आया है उसका ऑनलाइन आज से स्टार्ट हुआ यानी 20/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 20/7/2023 से। सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब पर क्वेश्चन या व्हाट्सएप पर यही आ रहा है कि हम 12/5/2023 में पास किए हैं और मेरा एज 18 साल पूरा हो गया है, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि 1/8/2022 तक जो 12वीं पास किया है और जिसका उम्र 18 साल हो गया है वही इस फॉर्म को डाल सकता है। और उम्र का बात किया जाए तो किसको क्या छूट मिला है। UR EW के लिए अगर 1/8/2022 तक अगर 25 साल हो रहा है, OBC के लिए 27 साल हो रहा है, EBC के लिए 28 साल, SC के लिए 30 और ST के लिए 30 वर्ष उम्र हो रहा है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और फॉर्म भरते टाइम क्या सावधानी करना है इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। देखिए फॉर्म भरते टाइम आपको जो जो सावधानी बरतनी है, भले फॉर्म आप 2 दिन 4 दिन लेट से भरिए लेकिन ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए तब भरिएगा। पहला चीज़, अगर आपका आधार कार्ड और मैट्रिक के मार्कशीट में थोड़ा सा स्पेलिंग का अगर अंतर आ रहा है तो जो मैट्रिक के मार्कशीट में है उसी नाम को भरना है, दूसरा नहीं भरना है। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा गलत है और मार्कशीट पर दूसरा है तो जो मार्कशीट पर है उसी को भरना है। ध्यान रखना है, आधार कार्ड का ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, आप मैट्रिक का मार्कशीट का फॉलो करना है। तीसरा, जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है उसको डालना है। उसके बाद जितना भी अनिवार्य ऑप्शन दिया गया है उसे पूर्ण रूप से जरूर भरना है। इस सब छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखकर भरना है। मैट्रिक के मार्कशीट का सीरियल नंबर जो है ध्यान से रखना है। माता पिता के नाम एकदम जो मार्कशीट पर है उसी को डालना है, यानी पूर्ण रूप से मैट्रिक के मार्कशीट को ही फॉलो करना है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही देना है जो हमेशा चालू रहता है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।